Welcome to the first ever video of this channel. This is Megabyte और आज हम पता करेंगे Pixel और उससे related सारी information के बारे में. Pixel कैसे काम करता है? Pixel basically एक square electronic unit है जो कि display का सबसे छोटा part होता है. एक पिक्सल के अंदर तीन सब पिक्सल्स होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली ऑन एंड ऑफ किए जा सकते हैं, जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं. किसी डिस्प्ले को हम कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं करते हैं, हम इन पिक्सल्स को कंट्रोल करते हैं और इन्हीं पिक्सल्स को मिलाकर पूरा डिस्प्ले बनता है. हमारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स, सभी जगह डिस्प्ले का यूज़ होता है. डिस्प्ले चाहे LCD हो, LED हो, AMOLED, सुपर AMOLED, अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज़ के डिस्प्ले होते हैं, बट इन सारे डिस्प्लेस के अंदर पिक्सल एक कॉमन एलिमेंट होता है जिसकी वजह से डिस्प्ले फंक्शन करते हैं. हमारा एक डिस्प्ले जो है इतने सारे पिक्सल से मिलकर बना होता है और ये पिक्सल इतने छोटे साइज़ के होते हैं कि हमें ये क्लियरली दिखाई नहीं देते. माइक्रोस्कोप से बनाई गई ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि अगर हम किसी डिस्प्ले को जूम करके देखें तो आप उसके अंदर छोटे छोटे पिक्सल्स को देख सकते हैं. इस तरह से पिक्सल्स दिखाई देते हैं. अगर हमें डिस्प्ले पर रेड कलर डिस्प्ले करना है तो सिंपली ब्लू और ग्रीन कलर टर्न ऑफ हो जाएंगे और रेड कलर की इंटेंसिटी हाई रहेगी. अनदर एग्जांपल, अगर हमें मान लीजिए पर्पल कलर को डिस्प्ले करना है तो सिंपली ग्रीन कलर टर्न ऑफ हो जाएगा और ब्लू और रेड कलर की इंटेंसिटी हाई रहेगी. इन दोनों कलर के कॉम्बिनेशन से पर्पल कलर हमें डिस्प्ले होगा. रेड, ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन से 16 मिलियन से भी ज़्यादा कलर वेरिएशंस बनाए जा सकते हैं. इस फाइनल एग्जांपल में आप पिक्सल को ध्यान से देख सकते हैं. ये एक स्क्रीन को बहुत जूम करके पिक्चर ली हुई है. अगर मैं इसे धीरे धीरे जूम आउट करता हूँ तो आप पिक्चर का फॉर्मेशन देख सकते हैं.